नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या फोर्थ के अंतर्गत मार्केट चैप्टर के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। मार्केट की संरचना में हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार, विभेदात्मक एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हमने स्ट्रक्चर के बारे में हमने चर्चा की। आज हम यूनिट संख्या फोर्थ में जो इस मार्केट से संबंधित पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार 10-10 नंबर के रूप में पूछ लेते हैं। क्योंकि आपकी जो फोर्थ यूनिट है, जो कंप्लीट फोर्थ यूनिट है, वो मार्केट से संबंधित है, परंतु इसमें दो तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। प्रथम, मूल्य और उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से करना है, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का हो, चाहे वो एकाधिकार का हो, या एकाधिकारात्मक का हो, या अल्पाधिकार का हो, या विभेदात्मक एकाधिकार का हो। इसके अलावा आपके मार्केट में जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। जैसा कि आप इनकी परिभाषाओं को ही आप अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आसानी से इन दोनों को अंतर को कर सकते हैं। किस प्रकार से कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जहां पर अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और वस्तु समान होती है, समान मूल्य होता है, AR या MR रेखा इक्वल होती है और इसमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाती है। अब बात करते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होंगे, परंतु वस्तु में थोड़ा सा क्या होगा, विभेद पाया जाता है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। तो अब हम इसकी चर्चा की बात करें तो इसमें मूल्य ग्राहकों से उस वस्तु का थोड़ा भिन्न हो सकता है, तो इसलिए इसमें AR और MR रेखा गिरती हुई होती है। अब हम जैसा कि एग्ज़ाम में आप करते आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर पूछें, तो सर्वप्रथम अपने को एक टेबल बना लेनी चाहिए जिसके आधार पर हम आसानी से उसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्रथम लिखेंगे आप अंतर का आधार, बेस ऑफ डिफरेंस, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता। इसे हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैंने आपको अंतर के आधार में इसके अर्थ के बारे में बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इसका अर्थ क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता की डेफिनेशन में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है या वह अवस्था है जिसमें बहुत से विक्रेता होते हैं जिनकी वस्तुओं में इतना सा विभेद होता है कि वे एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन होती है। दूसरी, हम बात करें वस्तु की प्रकृति की। ये तो इसका अर्थ हो गया वस्तु की प्रकृति। इसमें वस्तु की प्रकृति समान होती है और इसमें असमान, जिसमें हम कहें वस्तु की प्रकृति में पूर्ण प्रतियोगिता में
उद्योग की सभी फर्में बिल्कुल एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में इसमें वस्तु या इसमें समूह के सभी फर्में मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे हम बात करें साबुन की, तो साबुन के विभिन्न ब्रांड होते हैं, लक्स है, रेक्सोना है, डिटॉल है, तो वो अलग अलग है वो साबुन, परंतु प्रोडक्ट क्या है, अलग है। अब बाज़ार की स्थिति का ज्ञान की हम बात करें, अंतर के आधार की कि मार्केट में नॉलेज की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में विक्रेताओं और क्रेताओं को बाज़ार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में इसके अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं में बाज़ार की स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वस्तु क्या होती है, विभेद होती है और वस्तु का मूल्य अलग होता है, तो इसलिए वो आसानी से उसका एनालिसिस नहीं कर पाता है। अब हम बात करें अगले अंतर आधार की, फर्म और उद्योग। इसके अंतर्गत विभिन्न फर्में को सम्मिलित रूप से उद्योग कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु में एक रूपता होती है, जबकि फर्मों को सम्मिलित रूप से समूह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वस्तु में थोड़ा विभेद पाया जाता है। अब साधनों की गतिशीलता अंतर के आधार की हम बात करें, तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, और जबकि इसमें साधनों की पूर्ण गतिशीलता नहीं होती है। अगले अंतर आधार की बात करें, विक्रय लागत जो सेल्स कॉस्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर विक्रय लागतों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि इसमें विक्रय लागतों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन और प्रचार को ये अपनाती हैं। मूल्य व लागत, पूर्ण प्रतियोगिता में लागत व मूल्य कम होता है, जबकि इसमें लागत व मूल्य अधिक होता है। आगम वक्र, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की दशा में औसत आगम और सीमांत लागत के बराबर होता है, इसमें AR और एवरेज कॉस्ट बराबर होती है, जबकि इसमें साम्य की स्थिति की बात करें तो औसत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है, तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर एवरेज कॉस्ट और इसमें AR इसमें अधिक होता है, सीमांत लागत से अधिक होता है AR। अब हम बात करें अगले पॉइंट की, मूल्य निर्धारण में फर्म की भूमिका। इसके अंतर्गत संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य प्रचलित होता है और इसमें संपूर्ण बाजार में अलग अलग मूल्य प्रचलित होते हैं। अगला है मांग वक्र। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, AR बराबर MR होता है। इसमें मांग वक्र पूर्णतया लोचदार नहीं होता है, क्योंकि AR ग्रेटर देन MR होता है। दीर्घकाल में लाभ, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, और जबकि इसमें दीर्घकाल में सामान्य और असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये तो अपनी स्थिति होगी पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर की। अब हम चर्चा करेंगे एकाधिकार और एकाधिकारात्मक या अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर की। तो सेम ऐसे आपको एक टेबल बनानी है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में एक अच्छा प्रभाव, अच्छा आकर्षक होता है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो अंतर का आधार एकाधिकार मोनोपोली, और अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एकाधिकार का क्या अर्थ है, तो एकाधिकार के अर्थ की हम बात करें तो एकाधिकार के अंतर्गत बाजार के उस स्वरूप से है जिसके अंतर्गत वस्तु का केवल एक ही क्या होता है, विक्रेता होता है, और उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के निकट स्थानापन वस्तुएं नहीं होती है, और उसकी पूर्ति पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण
होता है और इसमें एकाधिकार आत्माएं, जबकि इसमें बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक क्या होंगे, विक्रेता होते हैं और इसमें विक्रेता मिलती जुलती वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन वे समरूप नहीं होती है, थोड़ी सी भिन्नता अवश्य पाई जाती है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब विक्रेताओं की संख्याओं की बात करें तो एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। ये तो इसका अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया विक्रेताओं की संख्या इसमें अकेला और इसमें अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता इसमें होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं क्योंकि वस्तुएं थोड़ी भिन्न होती हैं। जैसा कि हमने पिछले अंतर में हमने पढ़ा, उद्योग व फर्म, इसमें फर्म उद्योग में कोई भेद नहीं होता क्योंकि उद्योग में केवल एक ही फर्म होती है, जबकि इसके अंतर्गत उद्योग को समूह का ज्ञान दिया जाता है, इसमें एक इकाई ही फर्म होती है। स्थानापन वस्तुएं अंतर के आधार में, तो एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की निकट स्थानापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, जबकि इसमें उत्पादक की मिलती जुलती वस्तुएं उत्पादक जो करते हैं लेकिन उसमें अंतर अवश्य होता है, परंतु ये निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। अगला, वस्तु विभेद, एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु विभेद नहीं होता है, जबकि इसमें वस्तु विभेद होता है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला, विक्रय लागतें, एकाधिकार में विक्रय लागतें नहीं होती हैं जबकि इसमें विक्रय लागतें होती हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। इसमें नई फर्म में प्रवेश नहीं कर सकती एकाधिकार में, क्योंकि अकेला इसमें उत्पादक होता है तो नई फर्में नहीं आती हैं, और इसमें नई फर्में प्रवेश भी कर सकती हैं और जा भी सकती है। आवागमन और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। इसमें आगम वक्र कम लोचदार होता है, इसमें अधिक लोचदार होता है। मूल्य विभेद, एकाधिकार में मूल्य विभेद नीति अधिकतम लाभ कमाने के लिए अलग अलग मूल्य वसूल कर सकता है, जबकि इसमें मूल्य विभेद संभव नहीं होता है। अगला, मूल्य निर्धारण, एकाधिकार में एकाधिकारी का मूल्य निर्धारण कर सकता है, जबकि इसमें फर्म का मूल्य निर्धारण स्वतंत्र नहीं होता है। अंतिम है, एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादक दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता है, और इसमें जबकि दीर्घकाल में सामान्य और असामान्य लाभ अर्जित कर पाता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या अंतर है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है, तो इससे आप चार प्रकार के अंतर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर, दूसरा एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, तीसरा एकाधिकार या एकाधिकारात्मक के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको अंतरों को समझ सकते हैं। तो हमने चर्चा की कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत और अपूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से इन अंतरों के बारे में हमने चर्चा की, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आसानी से इनको सोल्व भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हम पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में कैसे निर्धारण किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका आसानी से हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि अल्पाधिकार क्या है और अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मार्केट के अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। तो इसमें अल्पाधिकार, जैसे अल्पाधिकार में थोड़े से क्या होंगे, इसमें विक्रेता होंगे, ओलिजोपोली, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादक इसमें सम्मिलित हो पाते हैं, जिसमें लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और भारी उपकरण दुकानें इसमें शामिल हो पाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अल्पाधिकार के बारे में कि अल्पाधिकार के अंतर्गत किस प्रकार से
मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।